अब इसमें ये वाइट वाला हम ये अब ये वाला पैटर्न बनाएंगे। कलर का एक पहले वाइट था का ये कलर बन गया, अब ये वाला बनाएंगे। अब इसमें दोबारा से कहीं से भी डाल लें इसको, निकाल लें धागा धागे को। इसको बांध लेती हूँ मैं। चेन थ्री वन टू थ्री। अब जो चेन्स हैं वो इसके बीच में बनेंगी। ये जो हमने एक चेन के अंदर दो डबल क्रोशे बनाए थे इसके बीच में बनेंगे। मैं भी और नज़दीक करके दिखाती हूँ उसको। मैं दिखा देती हूँ, ये जितनी भी स्पेसेस हैं सबके बीच में एक एक डबल क्रोशे बनेगा। ये वाली इसके बीच में, इन सबके ये एक चेन में जो हमने दो डबल क्रोशे बनाए थे इसमें जितनी भी स्पेसेस हैं सबके बीच में ये डबल क्रोशे बनेगा। अब इसमें इसमें बनेगा डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे हर स्पेस के बीच में ये बनेगा। चेन वन डबल क्रोशे ये ऐसे बनता जाएगा। चेन वन सॉरी ये डबल क्रोशे चेन वन हो गया था, अब ये डबल क्रोशे। ये साथ साथ इसको बोलते भी जाया करें तो फिर वो गलती नहीं होती। डबल क्रोशे चेन वन डबल क्रोशे चेन वन, ये हर स्पेस के बीच में ये बनेगा डबल क्रोशे। डबल क्रोशे अब समझ में आ गया होगा, ये तीन आ जाते हैं, इसमें से दो में से पहले निकालेंगे ऐसे और फिर उसके बाद दो में से। चेन वन, अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। कहीं से भी शुरू कर लें, फिर तीन चेन, फिर उसके बाद इसमें डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे, चेन वन डबल क्रोशे, चेन वन। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये ख़त्म हो गया, अब इसको हम जॉइन कर देंगे। ये जो पहला तीन चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में वन टू थ्री, थर्ड चेन में जाकर इसको इस तरह से स्लिप स्टिच को कहते हैं, ये हो गया। अब हम इसका ये वाला दूसरा पार्ट बनाएंगे। ये कौन सी रो हो गई है, वन टू थ्री फोर्थ, फोर्थ वाला बनाएंगे। तो इसके लिए ये वाइट वाला ही है, अभी इसको काटेंगे नहीं उनको। ये दिखाती हूँ मैं इसको, ये हमने इसको यहाँ से जोड़ लिया। अब वन टू थ्री ये हो गया। इसी के अब हर स्पेस के बीच में दो डबल क्रोशे बनेंगे।
अब इसको इसी में जो ये हमने बनाया है इसके ऊपर, ये मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, ये जो चेन बनाई है इसी वाले स्पेस में एक डबल क्रोशे बनेगा। पहले डबल क्रोशे के लिए इस तरह से ऊन को लेंगे, फिर इसके बीच में से जाएंगे दोबारा से, ये तीन हो गए पहले हमारे पास, अब दो में से निकालेंगे और उसके बाद दोबारा दो में से, ये हो गया। अब हर स्पेस में हमें दो डबल क्रोशे बनाने हैं। अब दोबारा से ये लिया हमने ऊन, और इसी स्पेस में एक और बनेगा, फिर इसमें, और इनके बीच में कोई चेन नहीं बनेगी, बस डबल क्रोशे हर स्पेस में, हर स्पेस के बीच में डबल क्रोशे बनते जाएंगे। इस वाली स्टेप में जब हमने बनाया था डबल क्रोशे तो डबल क्रोशे चेन वन था, लेकिन अब जो बना रहे हैं उसमें हर स्पेस के अंदर डबल क्रोशे बस बनता जाएगा। ये मैं आज फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है इसको, कैमरे को भी खुद ही संभालना है और बताना भी है। ये एक बन गया इसके अंदर और ये दूसरा, अब इसमें दोबारा से डबल क्रोशे, मुझे हाथ को ज़रा ऊपर करना रख पड़ रहा है इसलिए, वरना फिर ये नज़र नहीं आएगा, और इसलिए ज़रा थोड़ा सा देर लग रही है, वरना इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस अब हर स्पेस के अंदर ये डबल क्रोशे, एक मैं और दिखा देती हूँ, ये चेन है, इसमें ये ऊन लिया, इसमें से निकाला ऐसे, ये तीन हो गए, दो में से पहले निकाल लिया, फिर दोबारा से ऐसे ऊन लेके फिर दो में से निकाल लिया। इसी तरह से ये सारा बनाते हैं। अब मैं इसको पूरा, ये जब कंप्लीट हो जाता है फिर मैं दिखाती हूँ। हर स्पेस के बीच में टू डबल क्रोशे जितने भी ये स्पेसेस हैं सबके बीच में दो डबल क्रोशे बनेंगे। मैं भी बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखें ये राउंड पूरा हो गया, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये जो पहले हमने थ्री चेन बनाई थी उसके थर्ड वाले में डाल के इसके अंदर, ये मैं चेन पहले कंप्लीट कर लूँ, ये वाली लास्ट डबल क्रोशे। ये हो गया, और इसको ज्वाइन कर देंगे इसमें। ये बन गया सारा। अब इसको, अब ये वाइट वाला ही बनाएंगे इसका, अब ये वाला लास्ट वाला वाइट राउंड। इन सब में अब सारी स्पेसेस में चेन सिंगल चेन बनेगी, तो बस अब इसमें जाते हैं, मैं भी दिखाती हूँ उसको। अब ये हर स्पेस के बीच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के लिए कोई धागा नहीं लेना, बस इसके इसमें से ऐसे जाके ये दो हो गए और ये बन गया सिंगल क्रोशे। फिर दूसरे में दोबारा से हर स्पेस में बस सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे, ये बन गया। दो सिंगल क्रोशे बस इसमें से जाते जाएंगे। इस वाले स्टिच को सिंगल क्रोशे कहते हैं। ये हो गया सिंगल क्रोशे, हर स्पेस में से ये ऊन लेके और इसको बस बनाते जाएंगे। इसमें कोई इस तरह से धागा नहीं लेना, बस सिंपल इसमें से ऐसे ही है। तो इसका अच्छी सी
Evet, bence Gaskan. Single crochet. Single crochet. बस अब हर स्पेस में इसमें ऐसे जाते जाएंगे और इसको सिंगल क्रोशे। अब ये कंप्लीट हो जाएगा लास्ट वाले उसमें चेन में, फिर मैं ज्वाइन करके दिखाती हूँ उसको। ये अब एंड पर आ गया, ये अब एक बस एक स्टिच इसमें और बनेगा सिंगल क्रोशे और अब इसको लास्ट वाली चेन से इसको स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देंगे। ये बन गया। बस अब ये वाइट का जो है पोर्शन पूरा हो चुका है सारा। अब इसमें ये वाला पार्ट इसका बनाएंगे, तो इसको पहले मैं काट देती हूँ। ये हो गया पूरा। अब इसका ये लास्ट वाला जो राउंड है वो करते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें हमने पहले हमने स्पेसेस में सारे स्टिचेस बनाए थे, अब ये जो चेन है इसके बीच में बनाएंगे। पहले हमने इसमें बनाए थे, अब ये जो चेन है इसके अंदर बनाएंगे। ये जैसे नज़र आ रही है चेन, पहले इसमें बनाए थे अब इसमें बनाएंगे। अब कोई जो भी कलर हमने यहाँ पर ऐड किया था उसको हम अब यहाँ पर मैं बांधती हूँ और फिर स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसको बांध लेते हैं फिर मैं दिखाती हूँ।